नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आऊँ जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के पिंपल्स रिंकल्स की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपका चेहरा ग्लोइंग और फेयर नजर आने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े देखें और आपसे मेरी छोटी सी विनती है, यदि अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चेहरे पे पिंपल्स रिंकल्स की समस्या होना अनिवार्य होता है, परंतु यह प्रॉब्लम आज की डेट में हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाने लगी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, अधिक मात्रा में अनहेल्थी डाइट खाना और ज़्यादा नमक मिर्च मसाले का सेवन करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और आपके चेहरे पे पिंपल्स रिंकल्स की समस्या आना निश्चित होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग चिंतित होकर के तनाव में आकर तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके चेहरे पे पिंपल्स रिंकल्स की समस्या को कुछ समय तक तो ठीक कर देते हैं, परंतु जब वे लोग उन क्रीमों को लगाना छोड़ देते हैं तो उनके पिंपल्स रिंकल्स की समस्या फिर से आना स्टार्ट होने लगती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और सुधार होने वाली है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है इस नुस्खे को तैयार किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्लीन बोतल लेनी है और आपको उसके अंदर ले लेना है हमारा ये रोज वाटर। दोस्तों, आपको कुछ इतनी सी मात्रा में ऐड कर लेना है। रोज वाटर में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके चेहरे पे झाइए में झुर्रियों की समस्या को दूर करते हैं और आपके चेहरे से पिंपल्स या रिंकल्स की समस्या को जड़ से समाप्त करते हैं। साथ ही साथ ये आपके चेहरे पे ग्लो लाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इतनी सी मात्रा में ले लेना है हमारा रोज वाटर। अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है दोस्तों हमारा ये शुद्ध एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में दोस्तों विटामिन ए सी ई एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके चेहरे से पिंपल्स रिंकल्स की समस्या को दूर करते हैं। साथ ही साथ आपके चेहरे पे ग्लो लाते हैं और आपके चेहरे पे गंदे बैक्टीरिया की समस्या आने नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस बोतल के अंदर ऐड कर लेना है हमारा ये इतनी सी मात्रा में एलोवेरा जेल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने ये एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है, वो भी दोस्तों हमारे लिए खास होने वाला है, वो है दोस्तों हमारा ये है दोस्तों नीम का पाउडर। नीम के पाउडर में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल हाई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपके चेहरे के पिंपल्स रिंकल्स की समस्या को दूर करते हैं और ये आपके पिंपल्स की समस्या को कभी वापस नहीं आने देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इतनी सी मात्रा में नीम का पाउडर ले लेना है। अब आपको इन सारी चीजों को अच्छे तरह से चला लेना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे नुस्खा आपको कुछ इस तरह से नजर आने लगा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को लगाने की विधि, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, आपको इस नुस्खे को स्टोर करके रख लेना है फ्रिज के अंदर। 2 से 3 दिन तक आप इस नुस्खे को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको लगाना किस प्रकार से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को साफ पानी से धो लेना है। धो लेने के बाद आपको अपने चेहरे पे इस नुस्खे को लेना और कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको इसे 5 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको धो लेना है अपने चेहरे को। धो लेने के साथ ही आप देखेंगे आपके चेहरे से पिंपल्स रिंकल्स की समस्या दूर होने लगी है और आपके चेहरे पे ग्लो नजर आने लगा है। अगर आप इस नुस्खे को कुछ इस प्रकार से 1 सप्ताह तक यूं ही इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपके चेहरे से पिंपल्स रिंकल्स की समस्या दूर हो चुकी है और आपका चेहरे पे ग्लो आने लगा है और आपके चेहरे पे से कालेपन के निशान भी दूर होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स मित्र इस परेशानी से जूझ रहे हो उन भाई के साथ भी व्हाट्सएप पे फेसबुक शेयर कीजिए। धन्यवाद।